अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विशाल क्या चाहिए? विशाल कहाँ छिपाया उस सांप को? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने ही बेटे को सांप कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये तो चुप कर, ये शर्म लज्जा की बातें हैं ना, तेरे जैसे स्त्री के मुंह से समझ में नहीं आती। चल बता क्या चाहिए? क्यों बताओ? ताकि आप उसे मार सके। मैं माँ हूँ उसकी और मैं उस पर कोई आज माँ शब्द का अर्थ खबर है तुझे? इटला माटे खोड़ियार माने तेरी कोख नहीं भरी क्योंकि माँ के नाम पे कलंक है तू। चलो भाई बताओ कहाँ है विशाल? ठीक है मैं नहीं हूँ माँ उसकी, लेकिन आप तो उसके पिता हैं। अपने बेटे से आप इतनी नफरत करते हैं? अरे बेटा बेटा नहीं, जानवर है वह जानवर। अपने जानवर को कैसा सीधा करना खबर है मुझे। ये जो विष खोला है ना तूने उसके मन में, कन्हैया वंशी खून गंदा हो गया। आज मैं उसके खून में से वो विष को अलग करूंगा। तू जो जाए। रुक जाइए मैं आपको। चल खास। आज चाहे मेरा कितना भी खून बह जाए, विशाल मेरा खून ना सही, लेकिन उसके लिए मैं अपना सारा खून बहा दूंगी। मारिए मुझे, जितना मारना है मारिए मुझे। तो बता दिया ना तूने अपना असली रूप। और जो हमारी बात संभाल, आज मेरे रास्ते में आना मत हो, नहीं तो मेरे क्रोध का ज्वालामुखी तेरे पे फट जाएगा। आज सुधी जो हुआ नहीं ना वो हो जाएगा, धर्मराज मैयावंशी का हाथ एक स्त्री पे उठ जाएगा। मॉम, मॉम क्या हुआ? Are you okay? एक मायावंशी हो ना और एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहे हो? मेरे मायावंशी की बात मत कर। क्यों ने? एक स्त्री का मान भंग किया तूने। वह धर्मराज अपना धर्म निभाएगा तू। आज मेरे साथ चल। विशाल, विशाल। तरु, मेरा मन घबरा रहा है। धर्मराज का गुस्सा कितना खराब है और वो अकेला गया है, और विशाल तो कोई संबंध में मानता ही नहीं है। उसका तो हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो धर्मराज पर वार करेगा तो? दादी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं दादू को अकेले जाने नहीं देता। मालिक को कुछ नहीं होगा, जब मालिक सही होते तो कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता। अगर विशाल ने गलत हरकत की है तो वो उसे खुद मार डालेंगे। ये कैसी बात कर रही है संतू? ठीक कह रही हूँ मैं। जब विशाल से रिश्ता तब जुड़ा था मालिक की वजह से, अब अगर मालिक ने उसे रिश्ता तोड़ दिया तो फिर अब उससे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा। इंस्पेक्टर, मिस्टर धर्मराज मायावंशी जबरदस्ती मेरे घर आकर तोड़फोड़ करके गए, मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है और उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। मिस्टर मायावंशी अगर एक बड़ा नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैं एक कंप्लेन कर रही हूँ, आप चाहे तो मैं रिटन कंप्लेन देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। मेरी मदद करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू। गधेड़ा, आज तेरे शरीर में से मेरे लोहे का एक एक कतरा निकाल दूंगा मैं, एक एक बूंद निकाल के बाहर फेंकूंगा। हाथ पकड़
धर्मराज भैया वंशी जी अरे न्याय कर चला हाथ कोई नहीं पकड़ता समझा। धर्मराज बस कर बस कर, आज तुझे मैं अपने हाथ से चलाऊंगा। भाई क्या कर रहा है? धर्मराज क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? पापा नहीं हंस तो, पापा नहीं होगा, क्या नहीं करने जा रहे पापा? पापा ये क्या कर रहे आप? इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया, देखो ना मुझे जलाने भी वाले थे इन्होंने। इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। मिस्टर मयूरवंशी, आप कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। अरे शू बोला था तू, अपराधी है ये। क्या अपराध किया इसने? अरे इसने मालिक बोलिए ना, क्या किया है इसने? बेटा मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, और अगर इसने कुछ किया भी है तो आपको कंप्लेन लिखानी चाहिए थी। आप तो मेरे बेटे को जान से मार रहे हैं। This is an attempt to murder. Please arrest him. मिस्टर मयूरवंशी, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, त्रिवेणी ऊपर जा। पर दादी, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। आप इन्हें लेके नहीं जा सकते पापा।